नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ। अपने मॉर्निंग टाइम में एक टॉपिक किया था ज्यामितीय निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 के अपने दो क्वेश्चन कर चुके थे। उसमें अपने देखा था कि किस तरह से, पहले क्वेश्चन में ये था कि आपको पॉइंट के निर्देशांक लिखने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर था उस पॉइंट के निर्देशांक दिए गए थे और आपको उस पॉइंट को शो करना था कोऑर्डिनेट के अंदर। थर्ड क्वेश्चन कहता है आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु ओ बी और आर को आरेखित कीजिए। आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु ओ बी और आर को बनाना है। कहां कहां पर हमें शो करना है? सबसे पहले उसने ओ बिंदु के निर्देशांक लिए हैं 0.0, पी पॉइंट के निर्देशांक लिए हैं 3.0 और आर के लिए हैं 0.4। उसने कहा है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए को आरेखित कीजिए। उसके बाद आप पहले आपको उसके अंदर ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनको शो करना है, कहां कहां पर होंगे ये। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका वाई है, ये वाई डैश हो गया और ये x डैश हो गया और ये पॉइंट O हो गया। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लगा दिए हैं, इक्वल डिस्टेंस के हैं लगभग सभी। अब आपको इन पॉइंट को शो करना है। सबसे पहले है 0.0, तो 0.0 पॉइंट यहीं पे आएगा 0.0। उसके बाद है 3.0, देखो x की वैल्यू 3 है तो 3.123 करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और y 0 है, इसका मतलब पॉइंट x अक्ष पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3.3.0। उसके बाद है 0.4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, 1, 2, 3, 4, तो ये पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे 0.4। अब ये कहते हैं कि आईटीए निर्देशांक अक्षों को लेते हुए ओ पी और आर को आरेखित कीजिए। यदि ओ पी की ओर एक आयत हो तो बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आम दिशा में भी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट आर है ओ से, उतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर क्या होगा, क्यू पॉइंट होगा। यानी इस तरफ से अपने ये लाइन लेंगे, जितनी डिस्टेंस से ये पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस से ये इधर आ गया और उतनी ही हाइट पर ये वाला पॉइंट आ गया, तो इसको यूं मिलाएंगे इस तरह। तो ये पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, आपका क्यू पॉइंट होगा। और इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष से आपने कितनी दूरी पर लिया है 3 और वाई अक्ष पर 4, तो ये आपका आ जाएगा आईटीए निर्देशांक पर एक पॉइंट लिया था, 3 पॉइंट दिए थे, चौथा पॉइंट क्यू आपने फाइंड किया है जिसके निर्देशांक क्या है 3.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहता है बिंदु -1.0 0.2 और -1.1 को आरेखित कीजिए। इन बिंदुओं को आरेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को ये सारे पॉइंट कोऑर्डिनेट के अंदर शो करने हैं, कहां कहां पर हैं ये। सबसे पहले मैं इनको नेम दे रहा हूं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। तो ए पॉइंट है -1.0, देखो माइनस का 1 यानी माइनस एक्स, तो ये -1, वाई की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट आपका है यहाँ पे -1.0। बी पॉइंट है 1.0, प्लस का 1.0, ये पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर, ये ए पॉइंट आ गया, ये आपका आ गया बी पॉइंट।
ठीक है। उसके बाद है 1, 1, x का 1 और y का 1, पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे, ये c पॉइंट आ गया 1, 1। उसके बाद d पॉइंट 0, 2, 0 x का 0, y का 1, 2, ये आ गया आपका d पॉइंट 0, 2, ठीक है। उसके बाद आ गया e पॉइंट -1, 1, x का -1 और y का +1, ये आ गया ठीक है। यहाँ पे ये आपका e पॉइंट आ गया -1, 1। अब आप इनको मिला दीजिए, ठीक है। पहले a को b से मिलाया, b को c से, c को d से, d को e से और वापस e को a से। तो ये जो आकृति बन रही है, इस आकृति को बताना है कि कौन सी आकृति है। तो इसकी साइड डाउन करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बनने वाली आकृति क्या है? पंचभुज है। क्या है ये? पंचभुज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्भुज बनाइए उसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। तो आकृति बनानी है, पॉइंट फिट करके उनको मिला देना है क्रम से। तो जो चतुर्भुज बनेगा वो आप देखेंगे, ये अपने आप रह गया। अब हमने बात करते हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला की। दूरी सूत्र क्या है? टॉपिक है अपना इस समय निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर एक फॉर्मूला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, दूरी सूत्र बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ये कहता है कि दो पॉइंट है पी और क्यू, इन दोनों के मध्य की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो उसको कैसे करेंगे? जैसे आपने पॉइंट लिया पी और ये पॉइंट क्यू, पी के निर्देशांक है x1, y1 और क्यू के हैं x2, y2। अगर पी पॉइंट से क्यू पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इसको लिखेंगे पी क्यू इक्वल। सबसे पहले लिखा जाएगा बाद वाले पॉइंट का नाम, यहाँ बाद में क्यू आ रहा है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पूरी की पूरी वैल्यू आ रही थी रूट के अंदर। अगर मैं इसको लिख दूं क्यू पी इस तरह से, तो अब डायरेक्शन चेंज होगी, क्यू से पी की दूरी बाइंड कर रहे हैं। तो जो बाद में दूरी लिखी गई है, हालांकि आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर x1 - x2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ x2 x1 नहीं दिया होगा, वहाँ डिजिट लिखे होंगे। तो आपने p से q की दूरी फाइंड करनी है, तो p q में q के निर्देशांक हमेशा x2 y2 रहेंगे और p के x1 y1 रहेंगे। अगर r s में देखें तो r से s की दूरी फाइंड करनी है, तो s के निर्देशांक x2 y2 होंगे और r के x1 y1 होंगे, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन देखते हैं, ये कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इसने पॉइंट दिए हैं, पी पॉइंट की वैल्यू दी हुई है इसने -6, 7 और क्यू पॉइंट की दी हुई है -1 और -5। तो पी क्यू की दूरी फाइंड करनी है, तो अपने ये x2 y2 होंगे और ये x1 y1 होंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करें, -1 फॉर्मूले का x1 की वैल्यू -6 है, तो ये -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 5, माइनस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू 7 इसका स्क्वायर, रूट के अंदर है पूरी वैल्यू, इक्वल ये माइनस माइनस क्या रहेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो अब देखिए ये प्लस का 5 इसका स्क्वायर और ये माइनस का 144, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। रूट के अंदर ये 25 144, ये पूरा रूट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू इक्वल 169 का रूट इक्वल प्लस माइनस 30। तो डिस्टेंस हमें हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। कभी भी नेगेटिव आंसर आएगा तो गलत होगा। तो पी क्यू इक्वल प्लस 30 लेंगे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 13, ठीक है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं,
आपने स्वयं कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंदर एक अपने थ्योरम अप्लाई करते हैं, वो थ्योरम कौन से थे, पाई थ्योरम। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, करण का स्केयर हाइपोटेन्यूस का स्केयर इक्वल लंब का स्केयर प्लस आधार का स्केयर, हाइपोटेन्यूस स्केयर इक्वल परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, इसके इक्वल होता है। तो अपने को पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं, निर्देशांक हैं ये पी के हैं टू कॉमा माइनस टू, क्यू पॉइंट के हैं माइनस टू वन, माइनस टू कॉमा वन, और ये आर के हैं फाइव कॉमा टू। तो सबसे पहले अपने को इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है इसी फॉर्मूले से। दूरी सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको PQ फाइंड करना है, PQ इक्वल, PQ में Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, तो माइनस टू और माइनस टू का स्केयर प्लस वन माइनस फॉर्मूले का और माइनस का टू फिर उसका स्केयर। ठीक है, तो ये तो जीरो, ये तो जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस का फोर का स्केयर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस का टू है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस होंगे तो टू प्लस वन थ्री का स्केयर टू, तो ये फोर का स्केयर सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव का रूट या जगह फाइव। ठीक है, ये पी क्यू की वैल्यू आ गई। उसके बाद अपने फाइंड करते हैं क्यू आर, इसमें आर के कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू होंगे, तो फाइव माइनस माइनस का टू फिर इसका स्केयर होगा प्लस टू माइनस वन का स्केयर, माइनस माइनस प्लस फाइव और टू सेवन इसका स्केयर प्लस वन का स्केयर रूट के अंदर, तो ये जाएगा फोर्टी नाइन प्लस वन, तो ये जाएगा रूट फिफ्टी। ठीक है, तो इसको अपने टुकड़े करेंगे तो ये जाएगा फाइव इंटू टू का रूट, तो यह जाएगा फाइव रूट टू, ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद पी आर, पी आर में देखिए आर के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू होंगे, फाइव माइनस टू का स्केयर प्लस टू माइनस माइनस का टू इसका स्केयर। ठीक है, फाइव माइनस टू थ्री का स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस होंगे फोर का स्केयर, तो नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव रूट में है, तो ये फाइव आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भी फाइव है, ये भी फाइव है, और ये क्या है रूट टू फाइव। ठीक है, तो अपने पाइथागोरस के अंदर इसको फिट करते हैं, पाइथागोरस करण है आपका पी आर क्यू स्केयर, ये क्यू आर का स्केयर किसके इक्वल होगा, पी क्यू स्केयर प्लस पी आर के स्केयर के बराबर। तो क्यू आर का स्केयर, क्यू आर आपकी ये पाई रूट
2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू आई आपकी 5, 5 का स्क्वायर, प्लस पी आर, पी आर की वैल्यू आई आपकी 5, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 × 25 × 2 + 20 = 25 + 25, तो ये 50 = 50, तो ये बराबर आ गया। इसका मतलब दिए गए निर्देशांक किसके हैं, एक समकोण त्रिभुज के, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है, तो इसकी सहायता से मैंने इसको सॉल्व किया। तो ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, जिसकी सहायता से अपने क्वेश्चन कर चुके हैं। 2-3 क्वेश्चन और हैं इससे रिलेटेड, वो आप स्वयं करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट।